कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें हम केके के नाम से जानते हैं, प्लेबैक सिंगिंग में अपने गीतों से, अपनी आवाज़ से ये ताजगी का एहसास देते हैं। इन्होंने जिंगल्स गाकर अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और फिर माचिस में एक पोर्शन इन्होंने गाया। 1999 में इनके करियर में एक खूबसूरत मोड़ आया जो इन्हें प्लेबैक सिंगिंग की उस दुनिया में ले गया जहाँ इन्होंने अपनी जगह खास गायकों में पक्की कर ली। वो गीत था हम दिल दे चुके सनम का, तड़प तड़प के। तड़प तड़प के इस दिल से आह नहीं है मुझको सजा निकाल की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। ये गीत इन्हें कैसे मिला, यहाँ तक का सफर कैसे तय किया इन्होंने, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। दिल्ली में एक बार फाइव स्टार होटल में गाते हुए इन्हें हरिहरन जी ने सुना था और अपने पास बुलाकर कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुंबई आओ। और वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, वो एक ऐसी चिंगारी थी जो हरिहरन जी ने इनके मन में जला दी। मुंबई आने के बाद कोइंसिडेंस ये हुआ कि ये हरिहरन जी से ही मिले एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू, और हरिहरन जी ने इन्हें लेस्ली को मिलवाया। उनसे मिलने के कुछ वक्त बाद ही इन्होंने अपना पहला जिंगल मुंबई में रिकॉर्ड किया और फिर 24 जुलाई 1994 से अगले 5 सालों तक 3500 से ज़्यादा जिंगल्स इन्होंने रिकॉर्ड किए 11 भाषाओं में। अब बात करते हैं फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग की। विशाल और केके माचिस बनने से पहले ही फ्रेंड्स थे, कुछ जिंगल्स भी इन्होंने किए थे एक साथ। और जब माचिस के म्यूज़िक पर काम चल रहा था तो विशाल ने कहा कि एक लाइन ये तुम गाओगे, और हारमोनियम पर जब ये गाया उन्होंने तो केके कहते हैं मुझे गाकर भी बहुत अच्छा लगा। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। अब वो साल आने वाला था जिसने इनका अपनी एल्बम बनाने का सपना भी पूरा किया, इनकी एल्बम पल, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एल्बम्स में से एक थी उस वक्त। ये एल्बम इन्होंने सोनी म्यूजिक इंटरनेशनल के साथ की थी। वो इंडिया में आ रहे थे और उस वक्त वो डेब्यू आर्टिस्ट की तलाश में थे इंडिया के लिए। लेस्ली ने, क्योंकि वो इसे प्रोड्यूस करने वाले थे, उन्होंने केके के जिंगल्स की ऑडियो को कंपाइल किया और उन्हें सुनाया, और फिर केके हुए डेब्यू आर्टिस्ट इन इंडिया सोनी म्यूजिक के साथ। पर एल्बम के लिरिक्स महबूब ने लिखे थे। अब इससे ज़्यादा उस वक्त क्या हो सकता था कि एल्बम बनाने का ड्रीम, और वो भी पूरा हो रहा है सोनी म्यूजिक इंटरनेशनल के साथ, और वो भी डेब्यू आर्टिस्ट इन इंडिया के टाइटल के साथ। ये 1998 में हो रहा है और 1998 में ही गीत रिकॉर्ड होता है फिल्म हम दिल दे चुके सनम का, तड़प तड़प। दोनों 1999 में रिलीज हुए, दोनों हिट से बढ़कर थे। महबूब ने ये गीत, असल में ये जो तड़प तड़प गीत है, ये डायरेक्टर मुकुल आनंद के लिए लिखा था। वो एक फिल्म बनाने वाले थे दस, ये दूसरी दस टाइटल की फिल्म थी जो कभी बनी ही नहीं क्योंकि मुकुल आनंद इस दुनिया से चल बसे। और जब फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिरिक्स लिखने के लिए महबूब को कहा गया तो उन्होंने ये गीत संजय लीला भंसाली को सुनाया और संजय को बहुत पसंद आया। हालांकि तब तक सिर्फ एक अंतरा था जो तैयार था, बाकी गीत बाद में लिखा गया। अब केके को ये गीत कैसे मिला? महबूब, ए आर रहमान और केके, ये एक गीत पर काम कर रहे थे जो कभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ महबूब ने इन्हें सुना था। महबूब कहते हैं कि रहमान ने भी उस वक्त कहा कि महबूब मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ, मैं एक ऐसा सिंगर देख रहा हूँ जो इतनी पिच पे भी फीलिंग के साथ गाता है। वहीं से इनकी दोस्ती जैसी भी हो गई और वो आवाज़ महबूब के कानों में रही। और जब इस गीत की बात हुई तो उन्होंने संजय से कहा कि एक सिंगर है जो इस गीत के साथ जस्टिस कर सकता है। संजय ने केके को सुना, इस्माइल दरबार जो कि इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे उन्होंने गाना लिखवाया और कहा ये तुम्हारी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है, इसे तुम ही गाओगे। केके ने कहा मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसे याद करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जो विश्वास इस्माइल दरबार की बात में था उसने मुझे बहुत हौसला दिया कि इसे तुम गाओगे। और फिर क्या, तड़प तड़प गीत एक इतिहास बना। ये गीत केके के करियर में बहुत जल्दी आया था और उन्होंने वाकई में इसके साथ, इसके लिरिक्स के साथ इंसाफ किया था।
सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा प्यारी ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलते रहे, मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए हम लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। केके ने एक बार कहा था कि कई बार कई लोग मुझे कॉल करके कहते हैं आप आइए आपके लिए बिल्कुल तड़प तड़प जैसा गीत बनाया है, और वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ फिर तो नहीं गाऊँगा क्योंकि मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहता, कोशिश करता हूँ अलग अलग तरह के गाने गाऊँ। और केके ने ऐसा किया भी है, गीत दस बहाने हो काइट्स का जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, साथिया का हमदम सुनी हो रहे ओ हमदम, या दैट्स परफेक्ट वन मोर टाइम ओ जानिया, आई लव दिस टीचर्स ओ जानिया शाम को फिर इकबाल का आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। आपको कौन सा गीत है केके का जो पसंद है कमेंट्स में लिखिएगा। आज स्टोरी बहुत लंबी हो गई है,